हाँ तो भाई कैसे हो सारे। तो आज हो चुकी है 15 तारीख और भाई आज के दिन आने वाला था अकाउंट्स ट्रैक हनीपा जी की, जिसमें फीचरिंग थी। भाई पोस्टर टीजर तो तुम भूल ही जाओ, ट्रैक नहीं आया, उसकी छोटी सी अपडेट तक नहीं दी गई है। भाई फैंस का चूतिया गंदा वाला काटा जा रहा है, मजाक बना के रखा है। देखो ट्रैक तो भूल जाओ, आज के दिन मुश्किल ही है कि देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ट्रैक आने से पहले ना पोस्टर या टीजर निकालना जरूरी है ताकि हाइप क्रिएट हो सके। तो ये तो पोस्टपोन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ अपडेट मुझे लगता है आएगी। और इसमें ना भाई हनीपा जी का कोई भी फॉल्ट नहीं है, जो भी गलती है ना भाई वो निज्जर की टीम की है, क्योंकि उसका ट्रैक है, हनीपा जी की बस फीचरिंग है। हाँ बाकी जो हनी पाजी के खुद के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तुम समझ जाओ, उसमें भी पाजी की गलती नहीं होती है, है ना। कुछ लोग हैं जो ढीला काम करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि भाई हमें तो सीधी सीधी वार्निंग मिली है, शांत जो कराया गया है, क्योंकि हम लोग ना भाई गलत काम करते हैं ना, हनी पाजी के जो फैंस हैं ना उनकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करते हैं, दैट्स वाई हमको वार्निंग्स मिली हैं कि 2 मिनट में चैनल उड़ जाएगा अगर अब से हमने ये कोशिश करी तो। बाकी बात ऐसी है कि जो निज्जर की एल्बम है ना उसकी ट्रैक लिस्ट कल ड्रॉप हो चुकी है, तुम देख सकते हो। फर्स्ट जो ट्रैक है हनी पाजी वाला ही है जिसमें उनकी फीचरिंग है, लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग वाला सीन ये हो गया कि पाजी की बीट्स नहीं है। भाई अपन तो यही सोचे थे कि शायद पाजी ने बीट प्रोड्यूस करी है निज्जर की एल्बम की, तो दीप चांदू ने जो है भाई बीट प्रोड्यूस करी है। काश एक ट्रैक में तो कम से कम अपने हनी पाजी बीट्स दे देते तो भाई सीन ही अलग हो जाता। एनीवेज ग्लोरी की भाई खतरनाक तैयारी चल रही है, ग्लोरी तो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा कल पाजी ने स्टोरी लगाई थी कि वो फर्स्ट म्यूजिक वीडियो शूट करने जा रहे हैं और वो भी लंदन में ही शूट होगी ग्लोरी की। इसके अलावा उन्होंने ये अपडेट भी दी कि वो सोनाक्षी सिन्हा की वेडिंग भी अटेंड करेंगे जल्दी, और हो सकता है हनी पाजी जियान से टकरा जाए, वहां पे भाई इनका मीटअप हो जाए, और इसके अलावा काफी सेलिब्रिटीज के साथ में हनी पाजी मिलेंगे। भाई फैंस इतने ज़्यादा भड़के हुए हैं ना, हनी पाजी के लगभग 300 से ज़्यादा फॉलोअर्स डिक्रीज हो चुके हैं, तुम देख सकते हो भाई डेली भाई हनी पाजी के फॉलोअर्स घट रहे हैं। भाई फैंस तो नाराज होंगे ही होंगे जब टाइम पे गाने नहीं मिलेंगे। बाकी आप सबके सवाल होते हैं कि भाई किस लेवल से अपन को ग्लोरी एल्बम देखने को मिलेगी, तो जो नमो स्टूडियो के ओनर है ना उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी थी हनी पाजी के साथ में, एंड वो लिखते हैं कुछ धमाकेदार चीज़ें आ रही हैं, बी रेडी फॉर दी ग्लोरी। इससे पहले नमो स्टूडियो का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है वहां से भी ग्लोरी का पोस्टर शेयर करा गया था। अब कोई म्यूजिक लेवल ना भाई एवे ही किसी के प्रोजेक्ट्स वगैरह शेयर नहीं करता है जब तक कन्फर्म ना हो कि वो उसी से आने वाला है। तो एक चीज़ तो ये कन्फर्म करती है कि नमो स्टूडियो से ग्लोरी देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं जो दूसरे पार्टनर है नमो स्टूडियो के भाई उनका कहना है कि नहीं आने वाली है नमो स्टूडियो से, तुम देख सकते हो। बाकी इसके अलावा गिरफ्तार भाई का एक इंटरव्यू निकला है जिसमें वो बातचीत करते हैं माफिया मुनीर के रीयूनियन की, या फिर कह सकते हो कोलैबोरेशन ट्रैक की। गिरफ्तार भाई गीले सिर पे बोल जाओ, गले लगा लो सबको, हमें गाना चाहिए सब एक साथ, और सब आर्टिस्टों का नाम लिया लगा लिया भाई सबको गले लगा लिया, ये सब है मेरे लिए। भाई प्यार ही है यार, कहाँ लेके जाएंगे ये सब यार, कहाँ लेके जाएंगे। नाराजगी है, नफरत नहीं है, बहुत फर्क है दोनों में, जो कि होता है मतलब। हाँ दोस्त, जहाँ बहुत प्यार होता है ना वहीं ये गिले शिकवे होते हैं, वरना बाकी में तो आप लगे निकल जाते हैं। कभी आर्टिस्ट कभी किसी का बुरा नहीं होता, वो तो लोग लग रहते हैं चीजों में, हम किसी से नाराज हो सकते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। वैसे उन्होंने एंड में पूछा कि कोलाब, उनको सबका एक साथ कोलाब चाहिए, तो कोई अगर लेबल सुन रहा हो तो बजट काटे हो जाएगा सब, पता नहीं कौन कहां पे किसके साथ बजट तो काटे इतना बड़ा। तो मैं आपको नाम बता दूं क्या क्या थे इस कमेंट में, रफ्तार, सुखी बाजी, हनी सिंह, बादशाह, दिलजीत, एमी विक, ये सबका नाम लिया। फिर तो पिक्चर ही बनाते ना पूरी, गाना 8 मिनट का गाना करके क्या फायदा, एक नया यूनिवर्स बन जाएगा। कौन कहां पे किसके साथ आपको क्लैब में दिख जाए, दिस इज हाउ इट इज, यू नेवर नो। ऐतिहासिक हो जाएगा भाई। तो जैसे कि तुम्हारे भाई ने पहले ही बताया कि हमको सीधी सीधी धमकियां मिल रही हैं भाई, है ना, पुलिस केस की धमकियां और चैनल उड़ाने की धमकियां, तो भाई नाम तो नहीं लूंगा मैं, समझ जाओ आप लोग। तो इसके लिए ना भाई तुम्हारे भाई ने एक बैकअप चैनल बना लिया है, ये चैनल कभी भी जा सकता है, तो प्लीज़ यार लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर मेरा ये चैनल गया तो आपको उस पर डेली अपडेट्स और भाई न्यूज़ मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो उस पर 5,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार आप लोग जल्दी से जल्दी, और सबको शेयर करके बताओ कि ये मंकू भाई का सेकंड चैनल है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई बैकअप बनाना। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, हेल्प करो यार तुम्हारे भाई की, क्योंकि ये चैनल कभी भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते। और उस पर जैसे ही 5,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं पहली वीडियो देखने को मिल जाएगी। चलो बाकी भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।